काफी लोग सोचते हैं अपना मैटर की बात करने के लिए कि क्या करें क्या ना करें। तो इफ किसी को डाउट हो रिगार्डिंग कि ऑप्टोमेट्री में क्या है, इसके अलावा भी कोई और स्कोप है या नहीं, सो फील फ्री टू आस्क, तुम पूछ सकते हो, आई हैव नॉलेज अबाउट इट। तो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज अ कोर्स लाइक, अगर तुम्हारे अंदर कोई मैनेजर स्किल्स हैं, यू वॉन्ट टू एक्सपेंड योर नॉलेज एंड यू वॉन्ट टू वर्क इन अ हॉस्पिटल सेक्टर एज वेल एज इन पब्लिक सेक्टर, सो ये कोर्स तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। अगर लीडरशिप क्वालिटी है, अगर तुम किसी टीम को कोऑर्डिनेट कर सकते हो और हर चीज़ मैनेज कर सकते हो उस वे पे, ये इट्स अ परफेक्ट कोर्स। लाइक ऑप्टोमेट्री में क्या होता है, मैं पहले स्टार्ट करती हूँ ऑप्टोमेट्री पे। ऑप्टोमेट्री में यू हैव टू कंप्लीट फुल टाइम कोर्स लाइक इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में कंप्लीट करना होता है, जिसके अंदर 1 ईयर तुम्हारी इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। 1 ईयर इंटर्नशिप तुम्हें कहीं करनी होती है, लेकिन उसमें क्या है कि यू आर सीरियसली तुम्हें एक पर्टिकुलर फील्ड में ही वर्क करना है। अगर तुम रिफ्लेक्शनिस्ट हो, तुम कर सो, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, सॉरी, अगर लाइक मैंने इंटर्नशिप की थी सेंट ऑफ हॉस्पिटल से 1 ईयर प्रोग्राम में, वहाँ पे मुझे पता चला कि अगर तुम चाहते हो कि अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना है, तो तुम्हें कुछ और कोर्स भी करने पड़ेंगे, या फिर तुम्हें मास्टर्स करनी होगी, या फिर इसके साथ कुछ लाइक इंटर्नशिप प्रोग्राम, या फिर कुछ छोटे मोटे डिप्लोमा करने पड़ेंगे, तब जाके ही होगा। वरना अगर तुम चाहो तो सिर्फ ऑटोमेट्रिक करके भी अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो, बट अपनी नॉलेज को इतने लेवल तक एक्सपेंड नहीं कर सकते जितना तुम चाहते हो। मेरा एम था कि मुझे MBBS करनी है, सिलेक्शन ही हुआ। BDS करनी है, BDS में हुआ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मुझे ऑटोमेट्रिक में चूज करना पड़ा। देन आफ्टर दैट मुझे ऑटोमेटिक में चूज करने के बाद पता चला कि ये फील्ड है काफ़ी अच्छी है, बट इसमें बहुत लिमिटेड स्कोप है, एंड अगर इससे भी ज़्यादा अगर कुछ करना है तो इसमें मैंने फिर स्कोप देखी कि इसमें मैं क्या क्या कर सकती हूँ। लाइक इसमें हम मास्टर्स कर सकते हैं, और फिर मुझे पता चला इसमें MBA भी कर सकते हैं। और MBA में क्या करना है, हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जा सकते हैं और लाइक हॉस्पिटल सेटअप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ई सॉरी शाहिर, यस मैम, ऑल फाइन। ये वर्क नहीं कर रहा एक्चुअली। ओके, डबल क्लिक करके आप मैम देखो। सब कर लिया बट मैम स्क्रीन पे सिंगल क्लिक करना होगा। ओके ओके। सो नाउ अगर हम बात करें इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर की, अगर तुम्हें MBA करनी है तो फर्स्ट तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें MBA किस चीज़ में करनी है ऑप्टोमेट्री के बाद। लाइक अगर तुम्हें चाहिए वाइट कलर जॉब, तो इसमें वाइट जॉब नहीं मिलेगी। इसमें तुम्हें हर डॉक्टर, हर डिपार्टमेंट, हर स्टाफ को मैनेज करना है। जस्ट लाइक अगर तुम्हारे एक हॉस्पिटल सॉरी तुम एक हॉस्पिटल में वर्क करते हो, ठीक है, और तुम्हें उस हॉस्पिटल में अगर 10 पेशेंट भी हैं, तो उनको मैनेज करना इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो उस मैनेजमेंट पोजीशन के लिए कोई कोई पर्सन चाहिए होता है, उस पर्सन के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है कोर्स MBA। अब लाइक अगर हम बात करें इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में, तो इसमें हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, फार्मा कंपनी, मेडिकल इक्विपमेंट एंड गवर्नमेंट NGO। अगर तुम MBA करते हो और तुम चाहते हो कि तुम किसी बड़े फील्ड पे लाइक वर्क करो, अपने आप को प्रूव करो, तो तुम्हारे पास काफ़ी फील्ड है। लाइक तुम NGO में जा सकते हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हो, फार्मा कंपनी में किसी भी पोजीशन पे जाके मैनेजर रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस में भी तुम्हें काफ़ी स्कोप मिलेगा, एंड हॉस्पिटल में तुम सब चीज़ मैनेज कर सकते हो। लाइक तुमने देखा होगा कि हॉस्पिटल में सेंटर मैनेजर, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हेड, मार्केटिंग एजेंट्स एंड HR डिपार्टमेंट, ये सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो तुम्हें हेल्थ केयर MBA हेल्थ केयर करने के बाद मिल जाती है। अब अगर हम बात करें इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में, तो इसमें MBA करने के लिए तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि MBA में दो फील्ड सॉरी तीन फील्ड है। MBA इन लाइक रेगुलर MBA जो हर कोई करता है, लाइक BTech पर्सन जो होते हैं ग्रेजुएट्स, वो कॉमनली रेगुलर MBA के ऊपर जाते हैं। सेकेंड होता है MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। लाइक तुम्हें सिर्फ वर्क करना है हॉस्पिटल में,
हॉस्पिटल इन द सेंस हॉस्पिटल के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, या फिर एचआर में जाना है, या फिर कोऑर्डिनेशन करना है, या फिर सेंटर मैनेजर बनना है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तुम्हें एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसका एक ही ड्रॉबैक है, तुम सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के सेटअप के अंदर ही वर्क करोगे, तुम उसके बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद आता है एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर का मीन्स क्या होता है कि तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक किसी इक्विपमेंट कंपनी हो गई, एनजीओ हो गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, लाइक, और अगर तुम ज़्यादा ही लाइक बहुत अच्छे हो अपने काम में, तो देन डब्ल्यूएचओ तुम्हें खुद हायर करने आएगी इसमें, अगर तुम हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाते हो तो। अब दोनों में फ़र्क क्या है? हेल्थ का मतलब होता है कि उसके अंदर सब सारी चीजें आ रही है, लाइक हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, एनजीओ आ रही है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई भी मेडिकल का इक्विपमेंट छोटा सा छोटा जो भी है वो सारा का सारा हेल्थ के अंदर आता है, और जो हॉस्पिटल सेटअप है ना वो भी हेल्थ के अंदर आता है। सो अगर तुम एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हो तो तुम सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर वर्क करोगे, और तुम अगर हेल्थ लेते हो, चूज करते हो, तो तुम किसी भी फील्ड में कहीं भी जा सकते हो। नाउ एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसमें ये 2 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है? इसमें तुम्हें जनरली ट्रेन किया जाता है कि तुम हॉस्पिटल के सेटअप पे कैसे वर्क करोगे। अगर कहते हैं कि ये तो बहुत आसान होता है, लाइक अगर तुम्हारे पास छोटा सा क्लिनिक है, 10 पेशेंट्स आ रहे हैं, तुम उनको मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा एक बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, तुम किसी बड़े हॉस्पिटल में वर्क करते हो, वहाँ पे डेली के 500 पेशेंट है, उनको मैनेज करना ईजी नहीं है। अगर तुम्हारे 500 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनकी लाइक टिकट काउंटिंग और उनकी रश टाइमिंग, उनका अपॉइंटमेंट टाइमिंग, हर चीज़ मैनेज करना एक प्रॉपर वे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए तुम्हें रिक्रूट किया जाता है इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तुम किसी भी, तुमने कोई भी कोर्स किया हो, मेडिकल फील्ड में, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो एमबीए में। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, प्रेशर हैंडलिंग होनी चाहिए, डेडलाइन हैंडलिंग होनी चाहिए। मेन है तुम्हारा प्रेशर हैंडलिंग एंड डेडलाइन, ये दोनों क्वालिटी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में होने के लिए। और कोर्स ड्यूरेशन 2 इयर्स है, जिसमें 1 ईयर में तुम्हें जनरली पढ़ाया जाएगा लाइक फाइनेंशियल वगैरह, और क्या नाम है, रेगुलर एमबीए की तरह तुम्हें कोर्स किया। सेकेंड ईयर में तुम्हें पढ़ाया जाएगा लाइक कि तुम किसी हॉस्पिटल सेटअप में जाके कैसे मैनेज करोगे, कैसे प्रेशर हैंडल करोगे, कैसे हर चीज़ मैनेज करोगे, स्टाफ को कोऑर्डिनेट करोगे, ऑल दिस थिंग्स इसके अंदर आती है। एम्प्लॉयमेंट एरिया ये कुछ है, एकेडमिक्स में जा सकते हो, हेल्थ एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सो ऑन। एंड इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, लाइक बिजनेस डेवलपर मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस में जा सकते हो, हॉस्पिटल बिजनेस में जा सकते हो, ऑपरेशन सेल्स, बट ये सारी के सारे लिमिट है कि तुम सिर्फ हॉस्पिटल में ही वर्क करोगे, हॉस्पिटल की फील्ड के बाहर नहीं। हाँ, अगर तुमने हॉस्पिटल की फील्ड के बाहर तुम जाना चाहते हो, तो एक फील्ड है हेल्थ केयर आईटी। हेल्थ केयर आईटी डील करती है अमेरिकन कंपनीज से। सो अगर अमेरिकन डॉलर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हेल्थ केयर आईटी को फ़ायदा होता है, और उससे तुम्हारी सैलरी पैकेज भी इंक्रीज होता है। अगर हम इसमें एमबीए हॉस्पिटल में सैलरी पैकेज की बात करें, तो इसमें अराउंड तुम्हें स्टार्टिंग सैलरी, स्टार्टिंग जो होगी वो 30 to 35 thousand तक स्टार्ट होती है, एज अ एवरेज, बिलो एवरेज कह सकते हैं, बट इन जामिया हमदर्द अभी 15,000 से स्टार्टिंग हुई है बच्चों की। सो ये मत सोचना कि 35 से स्टार्ट होंगी, 15-12 से भी स्टार्ट होती है, ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से कर रहे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। अगर तुमने एमबीबीएस बीडीएस करके ज्वाइन किया है, सो तुम्हारी सैलरी स्टार्ट होगी 40-45 से। अगर तुमने स्टार्ट किया है लाइक कोई भी ग्रेजुएशन कर ली, बीएससी कर ली, 15-20 मानो ये तुम्हारी स्टार्टिंग है। और हाँ, अगर तुमने ऑप्टोमेट्री किया, यू हैव एक्सपीरियंस ओवर अराउंड 2 इयर्स, देन तुमने एमबीए किया है, सो ये डिपेंड करता है कि तुमने कितना एक्सपीरियंस है और किस यूनिवर्सिटी से किया है। सो जामिया हमदर्द में प्लेसमेंट का रोल नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। सो अप्लाई करने से पहले देख लेना एक बार कि प्लेसमेंट है या नहीं है, तुम खुद जाके कहीं पे अपने आप को प्रूव कर सकते हो या नहीं। एस आई सी मार है, बट वो पीजी डिप्लोमा प्रोवाइड करता है, सो मैं जामिया को ही प्रेफर करूँगी।
नाउ आई मीन हेल्थ केयर मैनेजमेंट सेम हॉस्पिटल की तरह ही है, लेकिन उसमें हॉस्पिटल की इन्वायरमेंट के लिए तुम्हें रेडी किया जाता है और यहाँ में फील्ड वर्क के लिए रेडी किया जाता है। अगर तुमने हेल्थ केयर लिया है तो तुम्हें हेल्थ केयर में एनजीओ में गवर्नमेंट एजेंसी में वर्क करना पड़ेगा, फील्ड वर्क तुम्हें बहुत करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन लाइक पब्लिक सेक्टर्स तो तुम्हें ये देखना होगा कि तुम ट्रैवल कर सकते हो या नहीं। अगर तुमने हेल्थ चूज़ किया है तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी तुम्हें कभी भी कहीं पर भी भेज देगी, तो ट्रैवल आना चाहिए। लाइक तुम दिल्ली से कर्नाटका जा रहे हो एक दिन पहले नोटिस पे, 2 दिन पहले नोटिस पे, तो अगर तुम ट्रैवल कर सकते हो तो ये बेस्ट है तुम्हारे लिए। सॉरी, अब इसमें भी सेम है। इसमें भी एलिजिबिलिटी देखे तो 50% मार्क्स है, डिपेंड करता है तुमने तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कोई मेडिकल फील्ड से है, BDS किया है, MBBS किया है, कुछ भी ये डिपेंड करता है। क्वालिटी सेम एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, ड्यूरेशन 2 ईयर्स की है, सिलेबस 1 ईयर में जनरल पढ़ा जाएगा, 2nd में तुम्हें एडवांस पढ़ा जाएगा रिलेटेड टू फील्ड वर्क ऑपरेशन इन एनजीओ एंड अदर डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट एरिया इसमें क्या है, हॉस्पिटल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें एम्प्लॉयमेंट एरिया काफ़ी ब्रॉड है एज कंपेरिजन टू हॉस्पिटल सेक्टर, एंड तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। और ऐसा नहीं है कि अगर तुमने हॉस्पिटल चूज कर लिया, पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। MBA में अगर तुमने एडमिशन लिया तो MBA कोर्स है MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट ईयर तुम्हें दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएगी, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल दोनों को साथ बैठ के पढ़ाया जाएगा। सेकेंड ईयर तुम्हें चूज़ करना है हॉस्पिटल एंड हेल्थ के बारे में। तुमने हॉस्पिटल लिया तो जो मैंने चीज़ें बताई कि तुम हॉस्पिटल में वर्क करोगे, सेल्स में, मार्केटिंग में, वो होगा। बट अगर तुमने हेल्थ चूज़ किया तो तुम्हें अलग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। अब तुम्हें क्या होता है कि तुमने हॉस्पिटल ले लिया, हेल्थ ले लिया, और तुम चाहते हो कि मुझे हेल्थ में जाना है तो तुम जा सकते हो। ये ऐसा नहीं है, बस डिग्री का नाम तुम्हारा लग जाएगा, दैट्स ऑल। जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी बहुत सारी है, तुम देख सकते हो। थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन है? थोड़ी वियर्ड थी प्रेजेंटेशन, कोई नहीं। दादा किसी को क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। यस मैम, क्वेश्चन है. थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव मैम. द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन, एज बीओपीटी में एडमिशन के लिए नीट था, एंड ऑफ कोर्स फीस कितना होगा? ओके, तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले तुम्हें कैट जो भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है उसमें तुम्हें जाके एंट्रेंस देना है। सिलेक्शन लिस्ट आती है, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें फिर GD राउंड के लिए अप्लाई करना है। GD क्लियर होता है देन तुम्हें PI के लिए अप्लाई करना है। PI क्लियर होता है देन उसके बाद तुम एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। बट इन सम यूनिवर्सिटीज लाइक जामिया हमदर्द, एनी एमिटी यूनिवर्सिटी, मेडवर्सिटी एंड किट्स इन मुंबई, उस पर तुम्हें बस क्या करना है, बस पैसे देना है एंड देन एडमिशन हो जाएगा। जामिया हमदर्द में भी यही है, तुम बस जाओ फॉर्म भरो, GD पे एक साथ होगा और एडमिशन हो जाएगा। एंड सैलरी पैकेज की बात करें, हॉस्पिटल सेटअप में स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी कम होगी, 15 से स्टार्ट होगी, 20 से स्टार्ट होगी, 25 से स्टार्ट होगी मैक्सिमम। और अगर तुम हेल्थ ज्वाइन करते हो तो उसमें भी सेम 20-25 के अराउंड स्टार्टिंग होगी। अगर तुम अच्छे से करते हो, मतलब अच्छी फील्ड पे जाते हो, अच्छे जगह से इंटर्नशिप करते हो, तुम्हारे पास काफ़ी नॉलेज है, तो 30-40 स्टार्टिंग है। बट प्रॉब्लम यह है कि इसका पर ईयर एवरेज देखिए तो हेल्थ जो है वो अराउंड 6 to 7 lakh पर ईयर टू 15 lakh पर ईयर तक जाता है, एंड इन हॉस्पिटल अप टू 5 or 5.5 lakh पर ईयर तक ही जाता है। और हमारे इंडिया में जो है कि हेल्थ केयर की जो एक्सपेक्टेड GDP है वो भी काफ़ी राइज हो रही है, तो हेल्थ में काफ़ी स्कोप है सैलरी वाइज भी और अपॉर्चुनिटी वाइज भी एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल। ओके मैम, थैंक यू मैम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू, इज इट अ गुड ऑप्शन टू स्विच टू पब्लिक हेल्थ हेल्थ सेक्टर फ्रॉम BOPT? क्या गुड, मैंने खुद किया है, मैंने BOPT की
देन मेरी हाँ इंटर्नशिप देन जून 2018 को ओवर हो रही थी, एंड उससे पहले मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया था। एमबीए ज्वाइन करने से पहले मुझे पता था कि मुझे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जाना है, क्योंकि ये काफ़ी वियर्ड है सबके लिए सोचना कि एज ऑटोमेटिक हमारे पास व्हाइट कलर जॉब्स है, चाहे रिस्पेक्टफुल हो या ना हो, हमारी इतनी मतलब सॉरी व्हाइट कलर जॉब है, बट हमें एक तरह से हॉस्पिटल की नॉलेज ज़्यादा है पब्लिक हेल्थ से, लाइक एनजीओ वगैरह ये सब फाइनेंस अकाउंट से ज़्यादा हमें नॉलेज मेडिकल फील्ड की है। बट पब्लिक हेल्थ पे जाना इसलिए अच्छा है, अगर तुम किसी चीज़ में रिसर्च करना चाहते हो, अपने नॉलेज से एक्सपेंड करना चाहते हो, WHO के साथ वर्क करना चाहते हो, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, तो तुम्हें पब्लिक हेल्थ एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। हॉस्पिटल में बस तुम्हें क्या करना है, मॉर्निंग 8 to 5 की जॉब करनी है, 9 hours की जॉब जो भी है वहाँ पे जाना है, पूरे दिन राउंड लगाना है, मैनेज करना है, पेशेंट्स की गालियाँ खानी है, बस दैट्स ऑल, और बस पूरा दिन खत्म। अच्छी जॉब है, 5 से 6 साल में तुम बस बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे कि मैंने क्या कर लिया। लेकिन पब्लिक हेल्थ में क्या है, तुम्हें डेली डेली न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए टारगेट्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छा, और तुम अपनी फील्ड भी चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने हॉस्पिटल ले लिया, बहुत गलती कर दी, तो हेल्थ में जा सकते हो। और अगर फाइनेंसली देखा जाए कि तुम्हें मतलब देखो बात नहीं करनी चाहिए, बट अगर तुम कोई कोर्स करते हो तो नॉलेज बढ़ाना बहुत अच्छा है, पेशेंट की हेल्प करना बहुत अच्छा है, लेकिन मनी और सैलरी काफ़ी मैटर करती है ना। यस मैम, तो यस उसके लिए अगर देखा जाए तो ऑप्टोमेट्री में सबसे ज़्यादा फाइनेंशली अच्छा जो है एज अ फ्रेशर, तो वो है ये सॉरी क्या वो डिस्पेंसिंग। ओके एंड अपना खुद का सेटअप करना, उसके लिए 3-4 साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। और हेल्थ एमबीए में है कि तुम हेल्थ केयर आईटी ज्वाइन कर लो, स्टार्टिंग सैलरी 50,000 आफ्टर 2 ईयर एक्सपीरियंस 75।